तरह का एडिशन उन्होंने कुछ नहीं किया था। अब जो ये लीफी लीफी सा इसके साथ पैच है, ये दामन है जी इस तरह से, फ्रंट इसका फुल इसके ऊपर ये वर्क आएगा, नेकलाइन का बड़ा। हाँ करते हैं इसको हम ओपन। ये है जी, इसमें पैनल्स होंगे अटैच। हमारी भी की ड्रेसेस का ये कि पैनल्स का वर्क जी, इसके साथ भी आपको ये सारा नेकलाइन का मिलेगा। ये है जी इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका एम्ब्रॉयडर्ड है और हाँ करते हैं इसको हम ओपन। ये है जी, इसमें पैनल्स होंगे अटैच। हमारी भी की ड्रेसेस का ये कि पैनल्स का वर्क। Hey viewers, assalamu alaikum, कैसे आप सब लोग? I hope you guys are doing well. तो हमारी अभी शिफॉन कलेक्शन के ड्रेसेस थे जो कि आज हम लेने आए हैं, तो वो आपको साथ साथ दिखाते भी जाए कि कौन से ड्रेसेस हैं जो कि स्टिल अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन D3 से, जिसकी प्राइस है 35,000। यहाँ जी आपको फ्रंट दिया गया है फुल चिकनकारी में, इस पर कटदाने का वर्क है, नेक लाइन पे स्टोन वर्क है, इसके साथ दुपट्टा भी आपको शिफॉन का दिया हुआ है, दुपट्टे के ऊपर भी फुल हैवी वर्क हुआ है। तो ये वो ड्रेस है जो कि हमारी अभी ने मतलब खुद भी आपको करके दिखाया हुआ है विद ऑल डिटेलिंग, क्योंकि ये ड्रेस काफी अच्छा लगा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चिकनकारी का वर्क है वो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव D6 34,000 का ये ड्रेस है, और इसमें मैंने आपको पहले बताया था दुपट्टे के ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दुपट्टा काफ़ी प्यारा है, फुल इस पर वर्क हुआ है, पीच एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ मैं आपको ज़रा क्लोज दिखाती चलूँ कि वर्क जो है वो डिटेलिंग में किस तरह से आएगा। इसका जो दामन वाला पैच है ना वो बहुत खूबसूरत है जी। यहाँ करते हैं इसको हम ओपन। ये है जी, इसमें पैनल्स होंगे अटैच। हमारी भी की ड्रेसेस का ये कि पैनल्स का वर्क जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो फिर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये है जी इसका दुपट्टा, दुपट्टे में आपको ना ये वाली जो चीज़ है ये आपको साथ मिलेगी, आप इसको कराएंगे एडजस्टमेंट। ये है जी सारी इस ड्रेस की डिटेल। हम ये वाला ड्रेस आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा क्विक हो जाएंगे। एक और ड्रेस है, हेड कोड है, वो भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव दिस रेड वन, जो कि मैंने आपको बताया था द बेस्ट आर्टिकल है फॉर वेडिंग सीजन। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा मुकेश वर्क दे के साथ ये वाली जो पैचेस हैं ये आपको दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं इसके साथ। ये ड्रेस जी मैं लेने लगी और मैं आपको जरा ओपन करके दिखाती हूँ कि इस तरह से जी ये ड्रेस की डिटेलिंग आएगी। इसमें इनर हमें क्या फुल दिया हुआ है अच्छा, इनर और ट्राउजर का फैब्रिक रहेगा सेम, आपको फुल दिया हुआ है। डिटेलिंग देख रहे हैं हम इस ड्रेस की किस तरह से आएगा। इसका जी कोड है D7 और यहाँ से हम रखेंगे पिक्चर को और साथ साथ देखते रहते हैं कि किस तरह से इसमें एडजस्टमेंट आएगी ड्रेस की। अच्छा जी, इसमें इस तरह से आएंगे ये पैनल शिफॉन का, आपको मैं सारा मटेरियल के ऊपर बहुत ही डेलिकेट सा वर्क हुआ हुआ है। नेक लाइन में आपको दिखा दूँ, फुल स्टोन वर्क में है, ये चेक करें जी इसकी ब्यूटीफुल सी नेक लाइन है। हम इस तरह से थोड़ा सा आएंगे तो आपको डिटेलिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है जी, ये है इसके मॉडल पिक्चर, उसके बाद ये आपको दुपट्टा अच्छा बैक साइड, दिस इज फॉर बैक साइड। नेक्स्ट वी हैव ये sleeves. तो इतनी हैवी इसके साथ स्लीव्स है, मैं कहती हूँ शर्ट से ज़्यादा हैवी इन्होंने स्लीव्स नहीं दे दी। ये देखिए जी, जिस तरह का सारा इसका फ्रंट का वर्क है उस तरह से हैवी वाली इसमें स्लीव्स दी हुई है। उसके बाद D7 का हम देख रहे हैं जी बॉर्डर, ये बॉर्डर फॉर स्लीव्स, ओके ये वाला ठीक है। अच्छा जी, दिस बॉर्डर इज फॉर दामन। नेक्स्ट शिफॉन का दुपट्टा जिसपे मुकेश वर्क हुआ हुआ है, और दुपट्टे के जो आपको पैचेस हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करी थी, ये सारा जो वर्क हुआ हुआ है दुपट्टे का हुआ हुआ है। ये आप कट वर्क करवा कर इस तरह की जब आप चीज़ें एडिशन करवाएंगे ना तो ड्रेस की अच्छे से लुक आएगी। हमारी अभी के ड्रेसेस की जब आप एज इट इज़ मॉडल पिक्चर स्टिच करवाते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, अदरवाइज फिर वो जो है लुक खराब हो जाती है। ये जी ड्रेस हम लेने लगे तो मैंने इसलिए ओपन करके देखी, हम हमेशा ओपन करके चेक करते हैं। वैसे हमारी भाई की ड्रेस में कभी मसला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तसली के लिए हम ओपन करके हमेशा देखते होते हैं। उसके बाद हम लेने वाले हैं ये वाला ड्रेस जिसकी डिटेलिंग मैं आपको सारी ओपन करके ना क्लियर दिखाती हूँ, और 33,000 का ये ड्रेस है, वो वाला था 34 का। नीचे ब्लैक की तरफ आते चले तो ब्लैक पे बहुत ही प्यारा सीक्वेंस वर्क है, और 33,000 इसकी प्राइस है। ये इसकी मॉडल पिक्चर चेक कीजिए, इसके साथ भी आपको ये सारा नेकलाइन का मिलेगा। ये है जी इसका दुपट्टा, दुपट्टा
इसका एम्ब्रॉयडर्ड है और एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे के साथ ये सारे पैचेस आपको मिलेंगे। ये ड्रेस हमारी अभी ने जो वेयर किया हुआ था, मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें पूछा था हर कोई प्राइस बता दें, ये जी 40,000 का ड्रेस है। ये एम एम्ब्रॉयडर्ड का है, दैट्स वाई इट्स कॉस्टली। ऊपर सारी हमने डिटेल देख ली। ये ड्रेसेस हैं हमारे पास जो भी बच गए हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी लेट किया। अच्छा जी, एक और हम ड्रेस लेने लगे हैं शिफॉन कलेक्शन का, वो भी आपको ओपन करके दिखाते हैं कौन सा ड्रेस है। तो ये है जी ड्रेस जो लेने लगे हैं, D5 है इसका कोड और बहुत ही हसीन इसके ऊपर वर्क है। ये इस कलेक्शन का हेड कोड है और एक पर्पल था, पर्पल हमारे पास जस्ट वन ड्रेस अवेलेबल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आपको साथ ही दिखा दें, इनर का फैब्रिक दिया हुआ है कॉटन सॉटन टाइप ऑफ फैब्रिक में। ये है जी, देखते हैं हम किस तरह से चिकनकारी का वर्क है। हमें भी मारिया बी के जो ड्रेसेस है वो उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है क्योंकि एक पज़ल की तरह होता है, आपको सारी चीज़ें एक साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। ये इस पे जो वर्क हुआ है ना, मुझे सबसे हसीन ये वर्क लगा है, चिकनकारी का फुल वर्क है इसमें। आपको ये फ्रंट मिलेगा। अब हम देखते हैं जी पैचेस की डिटेलिंग जो है वो किस तरह से है। दिस इज़ फॉर दामन, दिस इज़ विथ सीक्वेंस वर्क। और उसके बाद जो लीफी सा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हम आते हैं नेकलाइन की तरफ, यहाँ ये सारा ब्यूटीफुल वर्क है, 3D फ्लावर्स, बीच में से थोड़ा सा एडिशन इन्होंने कटदाने का किया है, वो बड़ा डिफरेंट सा ऐसे लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम इस तरह का एडिशन उन्होंने कुछ नहीं किया था। अब जो ये लीफी लीफी सा इसके साथ पैच है ये दामन का, ये बहुत प्यारा लग रहा है। जब आप इसको इस तरह से नीचे से कट पर करके एडजस्ट करवाएंगे बहुत ही हसीन लगने वाला है। इसके ये स्लीव्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो हैवी वर्क में आ रहा है वो स्लीव्स के पैचेस भी हैं, जो इसके दुपट्टे के ये पैचेस भी हैं। ये पैच कहाँ आएगा, दिस इज़ फॉर स्लीव्स, स्लीव्स का, ठीक है जी। स्लीव्स के भी वैसे सारा स्टोन वर्क हुआ है, इस ड्रेस के ऊपर मेहनत बहुत हुई हुई है। ऐसे नहीं, फिर मारिया भी जो डिज़ाइनर है वो फिर पूरी दुनिया में मशहूर है भाई, उनका माइंड है, काम करता है और इन चीज़ों में ऐसी हमें कहीं भी वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी। ये है जी दुपट्टा और दीज आर दुपट्टा पैचेस, ठीक है। पल्लू पैचेस दिए हुए हैं, ओके, पल्लू के दिए हुए हैं, ठीक है। आपको लेंथ में लेस एडजस्ट करवानी पड़ेगी। अच्छा जी, शिफॉन कलेक्शन का एक और हिट कोट, मैंने जो बताया था कि मारिया बी को बड़ा पसंद आया ये ड्रेस, तो इसको भी मैंने कहा आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देते हैं कि क्या डिटेलिंग है। इतना हसीन, एक तो लाइट सा कलर, उसके ऊपर जी ये वर्क, ये देखें जी, ऐसे लगता है जैसे मतलब हैंड वर्क हुआ हुआ सारा। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये देखें जी इस तरह से फ्रंट इसका फुल इसके ऊपर ये वर्क आएगा। नेकलाइन का बड़ा प्यारा सा इन्होंने इसके साथ ये पैच दिया हुआ है, इसके ऊपर स्टोन वर्क हुआ हुआ है। ये मैं आपको हर चीज़ बहुत क्लोज क्लोज दिखा रही हूँ ताकि आप जब भी स्टिचिंग कराने लगें आप ये वीडियो ओपन करके देख लें और आपके लिए समझना ईजी हो जाए। ये इन्होंने ये भी स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ये दामन के लिए दिया हुआ है, ये देखें, दिस इज़ फॉर दामन। और इसमें हमें ये लेस वर्क भी, हमें टेंशन नहीं है भाई, लेसेस भी साथ दे दिए उन्होंने, ये देखें, दिस इज फॉर स्लीव्स, जो ये हमारी साइड्स पे है। अच्छा, ये साइड्स के लिए भी और स्लीव्स भी, ये साइड्स के लिए, ठीक है जी। लेसेस का खर्चा भी, बस आप ये लें ड्रेस और बस स्ट्रेच करवा लें, ये देखें जी। अच्छा जी, ये आ गया इसमें। और फिर हमारे पास ये जो बड़े बड़े पैचेस हैं, ये मेरे ख्याल में दिस इज फॉर दुपट्टा पल्लू, ये स्लीव्स हैं। अच्छा, ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स के साइड्स पे आएंगे, इसके साइड से कपड़ा आएगा। अच्छा, यहाँ से फैब्रिक निकलेगा जी, और स्लीव्स के साइड्स पे आएगा। अच्छा, ये स्लीव्स के साइड पे आएगा, ठीक है जी, ठीक है। और इसके आगे भी ये मोटिव लगाएंगे। अच्छा, ये मोटिव इसके स्लीव्स के आगे भी एडिशन हम लगाएंगे और लेस भी है, वो भी यही वाली मेरे ख्याल में अटैच की हुई है यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दुपट्टा है वो भी काफ़ी खूबसूरत दुपट्टा है, सिर्फ खाली दुपट्टा नहीं दिया हुआ भाई, बहुत हैवी वर्क दिया हुआ है इस दुपट्टे में। ये चेक करें जी, मुकेश वर्क के साथ एम्ब्रॉयडरी और ये पैचेस हैं फॉर पल्लू, ओके, दिस इज फॉर पल्लू। इस ड्रेस की प्राइस मैं आपको दिखाती चलूँ कि कितनी थी, 35,000 ड्रेस की प्राइस है।